नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं, जो यूपी में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं उनके कुलपति की, और जिन यूनिवर्सिटी से ये कट करके विश्वविद्यालय बनाए गए थे और पुरानी यूनिवर्सिटी के कुलपति की। उससे पहले मीटिंग है अपर मुख्य सचिव की, तो उसके बाद क्लास लेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का एक मैटर बहुत मुख्यता से रखा जाने की संभावना है। वह मैटर है कि आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि उसके डिग्री कॉलेज से संबंधित पत्रावली इत्यादि हैं, वह अभी तक नहीं दे पाई है। जैसा कि सूचना है कि 21 जनवरी से लेकर के लगातार राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी से मांगे जा रहे थे पत्रावलियाँ और डॉक्यूमेंट, और बार बार निवेदन करने के बाद और कुलपति के द्वारा व्यक्तिगत मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को नहीं सौंपा गया, जिसके कारण से जो नया सत्र है उसके लेट होने की संभावना हो रही है, और जो सेकंड सेमेस्टर की कई परीक्षाएं हैं उनको भी आयोजित कराना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को। तो आज ये मुद्दा मेन होगा जो कि वहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही साथ जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो निर्माण कार्य है कितना हो चुका है, किस तरीके से, किस रफ्तार से चल रहा है, वह भी वहाँ पर रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा स्थापित 3 नए विश्वविद्यालयों, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय एवं माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के वर्तमान कुलपति प्लस जिन विश्वविद्यालयों से काट कर ये विश्वविद्यालय बनाए गए हैं उनके कुलपति को, यानी आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, सहारनपुर और मेरठ के कुलपतियों के साथ जो है आज शाम को 5 बजे अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक बैठक निर्धारित की गई है। जोर इस बात पर है शासन का कि निर्माण की स्थिति क्या है, जो नए भवन बन रहे हैं उनके निर्माण की स्थिति क्या है, और पुराने विश्वविद्यालयों ने नए विश्वविद्यालय को सारे डॉक्यूमेंट और डाटा अवेलेबल करा दिया या नहीं करा दिया। उसके बाद अपर मुख्य सचिव की बैठक के बाद समस्त कुलपतियों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो उसमें सर ये मामला भी रखा जाएगा कि जो आगरा यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को, जिसके कारण से बहुत डिले हो रहा है, तो ये मामला भी रखा जाएगा। हाँ, चूंकि हमारे कुलपति जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी लखनऊ में ही हैं इस समय, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। अभी देखते हैं कि आखिर आज जो आगरा यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं क्या जवाब देते हैं इस मैटर पे, कि आखिर उन्होंने 21 जनवरी से लेके आज तक पत्रावलियों और डॉक्यूमेंटों को वो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को नहीं सौंप सके। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।